अस्सलाम वालेकुम, दिस इज अंजुम मलिक यूनिवर्सल प्रॉपर्टी नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से। आज का गाइज हमारा जो टॉपिक है वो बहरिया हाइट्स में जो शॉप्स हैं जो ऑलमोस्ट कंस्ट्रक्टेड हैं और जिनका पोजेशन नियरेस्ट टाइम के अंदर एक्सपेक्टेड है, उसी के हवाले से है और उसकी क्या सराउंडिंग्स हैं, क्या उसकी प्राइस वैल्यू है, क्या उसके अंदर चांसेस हैं, क्या उसमें बिजनेस कर सकते हैं, इसी रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स हैं उनको इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर कवर करेंगे। तो गाइस पहले इसकी डायमेंशन को डिस्कस कर लेते हैं। इसमें जो डायमेंशन बहरिया ने दी है, इसकी इनर साइड में जो शॉप्स हैं उसकी डायमेंशन बहरिया ने दी है 300 स्क्वायर फीट, यानी 300 स्क्वायर फीट की डायमेंशन है एक नॉर्मल के, जिसके अंदर आप किसी भी किस्म का बिजनेस कर सकते हैं, लाइक सलोन बना सकते हैं, ब्यूटी पार्लर और इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड, या मेडिकल शॉप या बार्बर शॉप या कोई भी इस तरह की नौयत का बिजनेस के जिसमें गिफ्ट शॉप्स भी आ जाती हैं, वो इजीली जो है वो उसमें किया जा सकता है। और इसकी जो आउटर साइड की शॉप्स हैं वो थोड़ी सी इसकी निस्बत ज़्यादा है डायमेंशन उनकी, और उनकी जो डायमेंशन है 350 स्क्वायर फीट है। और अगर इनकी प्राइस वैल्यू की प्राइस रेंज की बात करें तो जो इनर साइड की शॉप्स हैं उसकी जो इन दिनों मार्केट में प्राइस रेंज चल रही है वो तकरीबन 80-85 लाख रुपीज़ जो है वो अभी इस राउंड कर रही है। और अगर आउटर की 350 की बात करें तो वो कोई 90-95 और 100 की ब्रैकेट के अंदर जो है सर्कुलेट कर रही है मार्केट के अंदर। और इसकी लोकेलिटी की अगर बात करें तो ये प्रीसेंट 6 और 8 के बिल्कुल एडजेसेंट है, और दूसरी साइड पे इसके 10A के विलास हैं। और अगर बहरिया की ग्रैंड मॉस्क की बात करें तो बिल्कुल इसके हाफ ऑफ किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और अगर मेन गेट से इनकी डिस्टेंस का मेयर करें तो तकरीबन आपका 7-8 किलोमीटर हार्डली जो है वो डिस्टेंस है। और सराउंडिंग्स इसकी जो है वो एक्टिव हैं 10A के अंदर। ऑलमोस्ट इसके सारे विलाज जो हैं 90% जो हैं वहाँ पे फैमिलीज रह रही हैं। और अली विला जो के अली ब्लॉक के अंदर जो बने हुए हैं वहाँ पे भी काफ़ी तेज़ी से जो हैं फैमिलीज मूव हो रही हैं। तो गैस इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो ये शॉप्स काफ़ी वाइबल हैं। अगर आप वहाँ पर ले के अगर रेंटल वैल्यूज़ चाह रहे हैं कि किसी अथेंटिक बहरिया की अपनी प्रोडक्ट के अंदर अगर इन्वेस्ट किया जाए तो ये बहुत ही सूटेबल इन्वेस्टमेंट है। और अगर आप चाहते हैं कि खुद वहां पे कोई बिजनेस डिजाइन किया जाए तो उसके लिए भी ये काफ़ी वाइबल ऑप्शन है। आप इसमें जो है इन्वेस्ट भी कर सकते हैं और फ्यूचर जो बिज़नेस अपना जो है वो भी प्लान कर सकते हैं। बाकी मज़ीद इसके रिगार्डिंग अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन दरकार हो तो आप दिए गए नंबर्स पर रब्ता करके अपनी कन्फ्यूजन दूर कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।